राधा राम की जय हो गए सबको। आज मैं जाने वाला हूँ एमपी, मतलब कि कल ट्रेन कैंसिल हो गई थी, आज मैंने बस बुक कर रखी है। अच्छी लग्जरी बस है, टॉयलेट वाली, तो उसका भी रिव्यू दूंगा। अगर आपको इतना लंबा सफ़र करना है तो बस में कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा, और जो लग्जरी बस है वो कैसी दी कैसी रहती हैं, ये सब का कुछ रिव्यू देने वाला हूँ आपको, तो आपको मज़ा आएगा। वो भी आप वेट कीजिए उसका भी। एंड अभी प्रिया तैयार हो गया स्कूल के लिए, और आज मैगी को मैं लेकर आया हूँ। मैगी वहाँ पर घूम रही है, अभी खेल कूद रही है। घर मैंने खोल दिया, वहाँ का सेटलमेंट सारा कर दिया है, मिस्त्री आते ही काम लग जाएगा। इधर रोटी रख दी मैगी की, थोड़ी देर बाद रोटी खिला देंगे। एंड अभी आज पूरे घर का रिव्यू देने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। जस्ट मैं एक बार थोड़ा सा मेरा बैग पैकिंग ढंग से कर लूँ फाइनल, उसके बाद मैं पूरे घर का रिव्यू दूंगा। मज़ा आएगा आज आपको, जितना भी है अभी उतना ही दे पाऊँगा, ज़्यादा तो मैं नहीं दे पाऊँगा। ज़्यादा तो फिर घर का उद्घाटन होगा, या फिर घर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद देंगे। फिलहाल जो भी है आधा रेडी है, जो भी है वो देख लो आप, मज़ा आने वाला है। आज वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो बने रहे वीडियो पे। मेरी चूरी अंडे है कि स्कूल जाओगी तो आए जानसी, और कुछ ज़्यादा भारी बैग नहीं है तेरा? ओ भाई आज कर दी रहे आ गई बस अपनी ना जानसी की बस आ गई, बैठेगा बस नब जाएगा। तू किस जाएगी, तने जाना है कि जाएगा मतलब जाओ। भाई सब हमारे गांव का मंदिर, और दूध की कमी पड़ गई, दूध पूरा नहीं मिल रहा, डेली यहाँ से थैली लेकर जानी पड़ रही है। प्रवीण मैगी को नहला दिया भाई साहब, मैगी नहा धोली, अब जा रहा हूँ मैं खुद नहाने, फिर होम टूर देता हूँ आपको। चलिए गाइस, अभी मैं रेडी हो गया हूँ, निकल रहा हूँ। लेकिन निकलने से पहले आपको पूरा घर का विजिट कराने का बोला था, हम एक थोड़ी सी ज़्यादा इमोशंस के साथ भरी हुई है, हल्की सी रो पड़ी है, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे, बट मैं बाहर आ गया। वो ठीक है यार निकलो, नहीं तो फिर मम्मी और ज़्यादा रोएगी मेरे को देख के। बट बाहर का व्यू अगर दिखाऊँ मैं तो ये देखो भाई, ये अपना घर का बाहर का लुक, ऊपर विजय भवन लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये नीचे की तरफ पिलर वगैरह रेडी कर रखे हैं। एंड अगर और दूसरी चीज़ों के बारे में बताया जाए तो ये देखो भाई, मैं चलो एंट्री कराता हूँ आपसे घर की पूरी की। ये सामने बैठक है, ये गेट लगा दिया है, यहाँ पर पूरे में टाइल्स एंड पत्थर लग रहे हैं अभी, और यहाँ पर ये रोड बन जाएगा, थोड़े दिन में काम चल रहा है तो आगे से बनता हुआ आ रहा है। यहाँ पर पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ थोड़ा सा नल आते हैं या फिर बारिश होती है इसकी वजह से। तो सबसे पहले हम अपना गेट खोलते हैं घर का, एंड घर का गेट खोलें तो भाई ये लो, ये है अपना एरिया जहाँ पर अपनी कार पार्क होगी। अभी यहाँ पर पत्थर वगैरह कट रहे हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पर कार पार्क होगी, यहाँ पर पीओपी करा दी सारे के सारे घर में, ऊपर से लेकर के नीचे से दिखाई दे रही होंगी आपको ये। ये देखो भाई साहब, ऐसी ऐसी सारे में पीओपी करा चुके हैं, हालांकि दोबारा हाथ लगेगा इसके ऊपर, मिस्त्री आ रखा है वो भी टाइल्स वाले, तो काम कर ही रहे हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर एक छोटा सा एरिया यहाँ पर जहाँ पर मतलब मोटर वगैरह और कुछ भी सामान वामान रखा जाए, सीढ़ियाँ लग रही हैं, सीढ़ियाँ कुछ डिज़ाइन में बहुत सारे, अभी वहाँ पर इसके साइड वाली प्लेट्स लगी हैं, भूल गया मैं इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो यहाँ पर ये काम चल रहा है कुछ इस टाइप से, डिज़ाइन में बनवाई हुई है अभी, यहाँ पर लाइटनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगने वाली हैं। ये अपनी बैठक है, और बैठक की बात कर ली जाए तो सामने का फ्रंट आपने देखा ही था, यहाँ पर टाइल्स वगैरह पूरे फ्रंट पे, जितना भी फ्रंट दिखाई दे रहा है ना आपको, ये जो स्टार्टिंग में दिखाया था ये वाला, यहाँ पे पूरे पर टाइल्स लगने वाली हैं। और इधर अपना ये पीओपी है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होने वाली, टाइल्स लगेंगी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी लगेंगी, यहाँ पे पत्थर लगेगा, एंड ऊपर इसमें पीओपी कंप्लीट। और यहाँ पर ये लेट बाथ है, ये रेडी होगा, अभी टाइम लगेगा इसमें भी। और यहाँ पर लेटरिन बाथरूम में हर किसी में इतनी इतनी टाइल्स लगने वाली हैं जितना ये खाली पड़ा है, जितने पूरे घर में जितना जितना खाली पड़ा है ना, ये नीचे तक का वाइट सी में वाइट पीओपी नहीं हो रखी, ये वाला पूरा का पूरा ऐसे वाइट सीमेंट नहीं हो रखी जिसके ऊपर यहाँ पर टाइल्स लगने वाली हैं। एंड अगर अंदर की बात करी जाए तो ये लेट बाथ है,
और अगर मैं एक बार लेट बाथ को दिखाऊं, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये कॉमन हो जाता है एक लेट बाथ। एंड एक ऊपर है ये बैठक है, मतलब कि ये अपना डाइनिंग हॉल है जहाँ पर यहाँ पर बीच में डाइनिंग टेबल वगैरह रखा जाएगा। और ऊपर इसमें सारे घर में पीओपी का काम हो रखा है और पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी का काम हो चुका है, बट फिलहाल चालू नहीं की। ये एक बेडरूम है, फर्स्ट वाला बेडरूम, और यहाँ पर फर्स्ट वाले बेडरूम में भी पूरा काम कम्प्लीट है, बस ये पत्थर भी बिछा दिए गए हैं। इसमें लाल कलर का पत्थर है, बाहर काला कलर का पत्थर है, और हर बोर्ड में हर कमरे में ये देखो इधर अपना इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कनेक्शन के साथ में ये एसी का कनेक्शन भी हर कमरे में दे रखा है, चाहे डाइनिंग हॉल हो, चाहे वो कमरा हो, चाहे कुछ भी हो। और हर बोर्ड में थोड़ा सा ये डिज़ाइन वाले, अभी ये आधा बोर्ड है, इसके ऊपर का फ्रेम और आएगा। एंड सारा स्ट्रक्चर रेडी होकर के एक चार्जिंग जैक यूएसबी पोर्ट भी दे रखा है, जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट स्मार्टफोन चार्ज होगा यूएसबी केबल से। एंड इसमें इस इंडिकेटर भी शो करा रखे हैं हर एक रूम में अलग से, और ऊपर भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अपना किचन एरिया है, किचन एरिया कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। ये ऊपर इसमें ग्लास ब्रिक दे दी छोटी सी, जहाँ से रोशनी आती रहे। और किचन एरिया में ये वाला पोर्शन थोड़ा सा उठा दिया है, जो वाश बेसिन का होगा वो भी हल्का सा थोड़ा सा उठा दिया जाएगा, और ये इस टाइप का कुछ वाश बेसिन बनाया जाएगा हल्का सा नीचे, ताकि पानी बाहर ना निकले। और ये रेडी होगा, इसके ऊपर काम चल रहा है। इनके अंदर जो बीच में ये जगह छोड़ दी, यहाँ पर अलग पत्थर लगने वाला है। ये आ गया अपना दूसरा बेडरूम, ये फर्स्ट था, अब ये सेकंड है, और वो वाला थर्ड है। तो सेकंड की बात कर ली जाए तो सेकंड में भी काम सारा कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है, इसमें लाल पत्थर लग चुका है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, ऊपर पीओपी सारी कंप्लीट है। एंड अगर बात कर ली जाए थर्ड बेडरूम की, तो थर्ड बेडरूम भी सेम ही है, इसमें लाल पत्थर लग चुका है और यहाँ पर काम चल रहा है। ये है, ये देखो ये वाला पत्थर लग चुका है। एंड यहाँ पर ये सारा हर कमरे में MCV डाल रखी है, अगर मान लो किसी कमरे में आपको लाइट नहीं चाहिए तो MCV डाल करके छोड़ सकते हो। तो ये भी फीचर्स अलग से हैं, हर कमरे में दो दो तीन तीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे दिए गए हैं, POP का काम इसमें भी कंप्लीट है। और सेम आगे पोर्शन है, ये अपना वॉशिंग एरिया हो जाता है, एक स्टोर है यहाँ पर, एक वॉशिंग एरिया इधर है, एंड एक लेट बाथ ऊपर भी है जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखो एक स्टोर है यहाँ पर, स्टोर में भी यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे दिया गया है, और स्टोर में बिल्कुल ही सिंपल कर दिया गया है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दे करके, ताकि यहाँ पर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाएगा। और फैन का भी ऑप्शन दे रखा है स्टोर के अंदर, अगर यहाँ पर ये थोड़ा सा पानी निकलने का एरिया दे दिया गया, ताकि यहाँ से पानी निकल जाए। सारा का सारा चैम्बर सिस्टम, यहाँ पर भी एक चैम्बर सिस्टम है, ताकि अंदर का सारा पानी निकल जाए इस लेट बाथ से। अगर बाहर की तरफ निकले अपन, तो यहाँ पर ये सारा का सारा MC कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है ये बहुत ही अलग है सिस्टम है इसका। इसका क्या है, जैसे यहाँ से लाइट ऑन करनी है ऊपर की, तो ऑन हो जाएगी, और ऊपर जाके ऑफ़ करनी तो ऊपर जाके ऑफ़ भी हो जाएगी, वो आपको दिखाऊंगा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया यहाँ पे, ये सारा का सारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, यहाँ लाइट से कनेक्शन, AC का कनेक्शन ये वाला है, इन्वर्टर का कनेक्शन ये वाला है, ये दोनों लाइट्स के हैं, किस हिसाब से मैनेज करने हैं वो भी। ये जब पूरा घर रेडी हो जाएगा ना, तब मैं अलग से इसका फुल रिव्यू लेकर आऊँगा मैं। फिलहाल ये देखो भाई साहब कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं पैडी, हाँ सीढ़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, यहाँ पर अभी काम चल रहा है। यहाँ पर शीशे लगेंगे, यहाँ पर एक शीशा लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड दे दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा सा सामान वामान कुछ भी रखा जाएगा, यहाँ पर रेलिंग लग जाएगी सारे में, ताकि एरिया कवर हो जाए, यहाँ पर कोई बैठ सकेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड विद इंडिकेटर दे दिया गया है ऊपर की तरफ, ये फिलहाल हम खाली रखने वाले हैं। यहाँ पर झूला वगैरह जो भी रहेगा उस हिसाब से मैनेज कर दिया जाएगा बाद में टाइम आने पर, और ऊपर फिलहाल मैं जा नहीं पाऊँगा। यहाँ पर एक जाल दे दिया है ताकि वेंटिलेशन के लिए अच्छा रहे। ऊपर का एरिया वो देखो, छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा, जो वीजा बंद दिखाया था मैंने, वहाँ टंकी रखी जाएंगी ताकि सर्दी हो जाए गर्मी, पानी ठंडा गर्म मौसम के हिसाब से बेस्ट पानी मिलता रहे, इस टाइप से कुछ। और यहाँ पर फिर से एक और जाल दे दिया, ये देखो भाई जाल दे दिया, ये अपना मिस्त्री टाइल लगा रहा है, ये अपना POP वाला छोटा भाई इनसे काम करवा रहा है जो भी करना है। यहाँ पर एक ऊपर बेडरूम, पूरा बेडरूम विद जंगले टाइप कुछ भी लगा लो आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ में, और तीन तीन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर टाइप का अलग अलग कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ें, ऊपर पंखा वगैरह, POP का काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये वो पिलर्स हैं जो बहुत ही डिफरेंट एक थीम सी लेकर चले हैं और बहुत ज़बरदस्त लगने वाले हैं। यहाँ पर ग्लास का या फिर जो भी स्टील का जो भी लगेंगे, पता नहीं, रेलिंग लगने वाली पूरे एरिया तक वहाँ तक, और यहाँ का ये एरिया जैसे कि आपने देख ही लिया था, और ये इसका डिज़ाइन वगैरह अच्छे से करवाए देंगे। और यहाँ पर भी एक लेट बाथ देखने को मिलता है कंबाइंड, ये देखो भाई।
कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। सारा सिस्टम इसका कनेक्शन वगैरह हो चुका है, बस रेडी करना है ढंग से, पूरा पूरा ढंग से कनेक्शन करके छोड़ना है अभी। तो यही था भाई घर का पूरा ओवरव्यू। तो भाई ऐसा ही कुछ है अभी, इसमें भी टाइल्स वगैरह लगेंगी, इसमें भी यहाँ पर ऊपर टाइल्स लगेंगी, नीचे पत्थर का काम होगा, फर्श वगैरह सब कुछ रेडी होने वाला है, ये भी डिज़ाइन होगा, फिर कलर होंगे, बहुत सारी चीज़ें, उद्घाटन होगा, तो मैं आपको पूरा का पूरा रिव्यू दूंगा कंप्लीट तरीके से। और सामने भी एक कमरा बनवाया है, वो भी रेडी होगा उधर भाई, वो सामने उधर वो रहा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ आप कहो तो। ओके ये देखो वो रहा, वो रूम है, वो भी रेडी होगा अभी। ऐसे कुछ है भाई इसमें। एंड भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अब तैयारी कर लेता हूँ निकलने की, क्योंकि मैं लेट हो रहा हूँ भाई। बाबा तरुणदास मंदिर भी जाना है एक बार, सानवी की धोख लगवानी है। चलिए मिलते हैं क्या। मम्मी ने इतना सारा सामान बना दिया, खीर चूरमा कचौरी रोटी सब्जी, वाह भाई साहब। और भी कुछ आइटम बनाए हैं, वो आपको सीधा हार्ट पीप ले ही जाकर दिखाऊंगा मैं क्या आइटम है क्या नहीं है। अब सीधा मिलते हैं आपसे बाबा चंद्रदास मंदिर में। चलो 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 बाबू, चलो अम्मा को, चलो अम्मा को। बजरंगबली बाबू, बजरंगबली आशीर्वाद दे दो। बजरंगबली बाबू, बजरंगबली एक गिलास और भर ले। मैं बैठ दूँ गाड़ी में, लड़की खड़ी है, ले पकड़, लड़की को पकड़ ले, मेरे जेब में है, चल चल चल। अरे हाँ ले ले ले, डिग्गी भर गई थी ये। हाँ रुक जा, पकड़ एक बार छोड़ दूँ। मेरी बजरंग बली, हाँ मेरा बजरंग बली। ओ देख तेरे भी तेरा मामा ले गया बजरंगबली। बजरंगबली रो पड़ा भाई ना, बजरंगबली ना, ओ उड़ गयो उड़ गयो को। अरे भाई तेरे ले चलो, इन तेरे ले चलो। ओ भाई साहब हम आ गए बाबा चंद्रदास धाम, सीटू बजा दे घंटा। उतर गया भाई सीटू के सारे पाप, चल लाडो डर छाया है यहाँ पे। तो क्या बात, छुट्टी मारे बैठे हो गए? चलो भाई साहब ये देखो यहाँ का नजारा भाई, अपने प्यारे हनुमान जी विद गुफा, उधर भोलेनाथ, और सीधे आपको बाबा चंद्रदास के दर्शन कराता हूँ। ये लो भाई साहब पहुँच गए बाबा चंद्रदास मंदिर। ये भाई छानवी बाबू आ गया तू, ये ले भाई चंद्रदास मंदिर। छानवी तेरा प्रसाद कहाँ है? प्रसाद चढ़ा ना, कर दे कुछ। बेटा क्या कर ले तू, परिक्रमा लगा ले। अड्डा पाया था सिल्क श्यामी की दुकान दो रहा है। लड्डू लेते वक्त रोहतक से। तब पापा जी का एक काम था बैंक में, जाने से पहले वो कंप्लीट करा देते हैं,
यूपीआई ट्रांजेक्शन्स में दिक्कत आ रही है भाई, जिससे मिल ना मिल गया। जय राम जी की। तो बता तो दिया करे भाई। अरे भाई बन गई थी, ये केले खा लिए सामान सारा। ले भाई पेट्रोल डलवा लिया 2000 का सीधा। गाड़ी कितने का पेट्रोल पीजेगी? 1500 आना जाना सही फिट। और जामों पर डिपेंड। ये देखो भाई सब, यहाँ पर पेट्रोल 95 रुपीज़ है और एमपी में 110 रुपए, 15 रुपए का डिफरेंस। एमपी महंगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। लो भाई साहब यहाँ से कुछ सामान लेना था, सामान ले लिया भाई साहब तगड़े आड़ा। ओह पेड़े बर्फी अट्रम शट्रम ताकि एमपी में खा सके हम। लगी भूख, मैंने खा पनीर पकौड़ा, समोसे, कोल्ड ड्रिंक खाएंगे भाई। तो खाना खा लिया। देखो भाई पिछले 2 किलोमीटर से ये जाम लगा हुआ है और ये आगे तक जाम हुआ भाई बहुत भयंकर। ये गाड़ियाँ यहीं पर रुकी हुई हैं। एक बार बीच में फंस गई गाड़ी तो फंस गई। हम तो रॉन्ग वे पे चल रहे हैं भाई ताकि थोड़ा सा निकल जाए आगे। यहाँ से निकलना ज़रूरी है। तो तकड़ा जाम है भाई। किच्ची खा गए आप? मुंडका आ गए भाई। मुंडका में ऐसी हाल है। अगर यहाँ पर बारिश होगी भाई, दिल्ली में पानी खड़ा हो गया भाई साहब। गोडे गोडे देखो खतरनाक जाम। गजब की फीलिंग आ रही है। स्विमिंग पूल टाइप हो रहा है। नाले फिर मछली बन के। ये देखो भाई साहब आगे तो गाड़ी डूब जाएगी। वो देखो भाई आगे और नजारा कुर्बान हो रही गाड़ी। पानी ने पानी को चीरती हुई। ये देखो भाई साहब बस डूबने वाली है भाई। देखो भाई देखा कितना बनवा रखा खतरनाक भाई। गुणवा दी भाई ने। तो बस देखो भाई कितना पानी है। अभी जाम में फंसे हैं वहीं पे। हमने सोचा निकल गया। बढ़ गई चलो चलो चलो। देखो भाई पानी, देखो भाई पानी, देख लो भाई हद होगी भाई। स्टॉप रिकॉर्डिंग। बंद होगी भाई, खराब होगी, बंद होगी, बंद होगी। वीडियो में बना क्या? यो ये क्रीम ट्रीट क्रीम रोल इधर पहुंचा दीजिए। ये वो है वड़ा पाव। चलो गुरकर निकालने 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 निकाल खोल खोल रे डिगी खोल सामान भी सेट करना। आओ सामान रखवा बेटा। ये आगे जीटू इस बैग में सेट कर सामान। यू इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ये तो भीतर जाएंगे भाई खाना पीना का। ये मैं बताऊँ थोड़ा फोन कर रहा ना जब ये तक पूरा करवा देता। पूरा ही आऊँ था मैं। चलो कोई बात ना चलने दे। तो भाई बताऊँगा शताब्दी एक्सप्रेस कैसी है कैसी नहीं। तो चलिए बताता हूँ आपको। चलो तब तक के लिए जय हिंद और जय श्री राम। नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।